बियर की बोतल हरी और भूरी क्यों होती है? पेड़ के नीचे सफेद और लाल रंग के पेंट क्यों किए जाते हैं? आज हम ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर, क्या आपने कभी एक्सीडेंट में घायल हुए इंसान को देखा है कि वह कितना दूर चला गया हो? आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 फीट की दूरी पर जा गिरेगा, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वो 118 फीट दूर जा गिरे। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई, लेकिन एक साल के बाद वह ठीक होकर अपने काम पर वापस लौट पाए और काम करने लगे दोबारा से। फैक्ट नंबर टू, इस अर्थ पर बहुत ही अनोखी अनोखी चीज़ें हैं, उसी में से एक वियतनाम गुफा जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। यह इतनी बड़ी है कि इसकी अपनी नदी है, जंगल है और अपना मौसम भी है। फैक्ट नंबर थ्री, आजकल की लाइफ में हर कोई बॉटल की पानी पीना प्रेफर करता है क्योंकि ये प्योर और साफ होता है, लेकिन आपको पता है इस बॉटल वाली पानी को सबसे पहले कांच की बॉटल में डालकर बेचा गया था 1767 में। ये कंपनी थी जैक्सन स्पा जो झरने के पानी को डालकर बेचना शुरू की थी। जो आजकल हम पानी की बोतल यूज करते हैं, यही पानी की बोतल हर सेकंड में 20,000 बेच दी जाती है। 2019 में वर्ल्ड में करीब 300 करोड़ पानी की बोतल बेची गई थी। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि बिजली को तारों को मेटल के एक ही छड़ से ना बनाकर पतले पतले तारों को आपस में लपेट कर क्यों बनाया जाता है? आप सब तो जानते ही होंगे हमारे घरों में एसी करंट आता है, मीन्स अल्टरनेटिव करंट। स्किन इफेक्ट मतलब एसी करंट किसी तार की स्किन या बाहरी सरफेस में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। जैसे जैसे तार के अंदर की ओर या सेंटर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। अगर ज़्यादा मोटा तार लगा भी दिया तो इसके भीतर कोई करंट भी नहीं बहेगा, इसके केवल बाहरी सरफेस पे करंट बहेगी। इसी वजह से स्किन इफेक्ट को रोकने के लिए बिजली का तार एक मोटा तार ना होकर पतले पतले तारों का गुच्छा होता है। फैक्ट नंबर फाइव, अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसा भी रोड है जो भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। उस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद जी है। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कि पेड़ों पर सफेद और लाल रंग की पट्टियां क्यों बनाई जाती हैं? इसका मतलब क्या होता है? पेड़ों पर निचले हिस्से पर पेंट करने का मतलब क्या होता है कि हरे भरे पेड़ों को और ज्यादा मजबूती देना। आपने देखा होगा कि पेड़ों में दरारें आ जाती है और उनकी छाल निकलने लगती है, इसकी वजह से पेड़ कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें पेंट कर दिया जाता है ताकि उनकी मजबूती बनी रहे और पेड़ों की उम्र लंबी हो। पेड़ों को पेंट करने के पीछे एक रीज़न यह भी है कि उनमें दीमक या कीड़े ना लगे, क्योंकि ये कीड़े पेड़ों को खोखला कर देते हैं, लेकिन पेंट करने की वजह से पेड़ों में कीड़े नहीं लगते। कुछ जगहों पर पेड़ों को रंगने के लिए केवल सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर लाल रंग और नीले रंग का भी यूज़ किया जाता है। नेशनल हाईवे की सड़कों के किनारों के पेड़ों को भी सफ़ेद रंग से रंगा जाता है ताकि रात के अंधेरे में भी ये पेड़ आसानी से चमके और आसानी से दिख जाए। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि बियर के बोतल का कलर हरा या भूरा क्यों होता है? पुराने समय में बियर पारदर्शी कांच की बोतलों में बेची जाती थी, यानी कांच की बोतल में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। इस बोतल में एक गड़बड़ी थी कि जब सूरज से आने वाली अल्ट्रा रेज इससे रिएक्ट करती थी तो इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों को खराब कर देती थी। इस ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्टों ने रंगीन बोतलों में रखने के लिए कहा ताकि अल्ट्रा रेस रिएक्ट ना कर पाए। इस वजह से भूरे रंग की बोतलों का चलन शुरू हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भूरे रंग की बोतलों की भारी कमी हो गई थी, इसके कारण फिक कंपनियों ने दूसरे रंग की बोतलों में बियर रखने लगे जिससे अल्ट्रा रेस रिएक्ट ना कर पाए और वो कलर था हरा। इस कारण से बियर की बोतल का रंग हमेशा भूरा और हरा ही होता है। ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल फैक्ट 7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।